कीर्ति परोहा, 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत उसका जो थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, उसका पार्ट टू का अध्ययन करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा था कि जो लेखक है उसकी तैरने की बहुत इच्छा रहती है और वो तैरना सीखने के लिए YMCA पूल पर जाने लगता है। तभी वहां पर एक बदमाश लड़का रहता है जो उसको उस स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और उसके बाद उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम देखेंगे इसका पार्ट टू। आप सब अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और इसको समझते हैं। आई फ्लैड एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर, स्वालो एंड चोक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज दैट वेट, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब यहाँ पे क्या कह रहा कि वो कैसा हो गया, पूल पानी की सतह पर परेशान होने लगा बहुत ज्यादा। जैसे कहते ना कि अपन एकदम से, तो वो पानी की सतह पर बहुत तेजी से हाथ पैर मारने लगा और उसका जो पानी है वो उसके गले के अंदर जाने लगा और गला चोक होने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि अपने पैरों को ऊपर उठा सके, लेकिन उसके जो पैर थे वो कैसे हो गए थे, मृत प्राय थे। एक वजनी टाइप के पैर हो जाते हैं या लकवाग्रस्त हो जाते हैं या बहुत दृढ़ हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक अदृश्य जो बल था वो मेरे को अंदर की तरफ खींच रहा था। I screamed, but only the water heard me. मैं चिल्ला रहा था लेकिन सिर्फ पानी ही था जो मेरी आवाज सुन रहा था, मतलब मेरी चिल्लाहट मेरे इसको कोई सुन नहीं पा रहा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और मैंने एक लंबी यात्रा पूल के बॉटम यानी पूल की सतह तक जाने के लिए शुरू करी। नेक्स्ट देखें बच्चों, I struck at the water as I bent down, expending my strength as one in a nightmare fight and irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. लेकिन उसी समय जब मैं नीचे जाने लगा तो मैंने एक अपनी योजना बता, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा था मेरी जो शक्तियां थी वो, जैसे कि आप किसी रात्रि में दूर सपना देखते हैं और उस बुरे सपने से एक अदृश्य शक्ति के लिए लड़ने की जैसे कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही मैं पूल के नीचे जाते समय उस अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रेथ, मैं लगभग अपनी सांसें खो चुका था। माय लंग्स, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। माय हेड थ्रोब, मेरे सिर में दर्द होने लगा था, थ्रोब होने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्राहट से चक्कर से आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर, लेकिन मेरे को एक योजना याद आई कि नहीं, मैं जैसे ही पूल के बॉटम यानी तले तक पहुंचूंगा तो वहां पर मैं कैसे ऊपर आऊंगा, उसके बाद मैं जैसे जैसे कि एक कॉर्क नीचे दबाया जाता है तुरंत ऊपर उछल करके आ जाता है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मैं उसी कॉर्क की तरह ऊपर पानी के मैं आ जाऊंगा और अपने हाथों और पैरों से तेजी से पैरों पानी को काटूंगा जिससे कि मैं पूल के किनारे तक आकर के सुरक्षित हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वॉटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वॉटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एंड देन शीट स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। It was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen.
only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. क्या बोल रहा है लेखक कि मैं नीचे जाने लगा endlessly, मतलब जहां पर कोई अंत समझ में नहीं आ रहा था. I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां पर सिर्फ एक पीले पानी, एक डार्क अंधेरे पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. मैं उसके आर पार कुछ नहीं देख पा रहा था. वहां पर सब कुछ साफ और तेजा तीखा एक डर था जिसने मुझे जकड़ लिया था. कैसा डर, जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिस पर कोई कंट्रोल या कोई नियंत्रण नहीं था. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस. और एक ऐसा डर था जिसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता. उस डर को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उसका अनुभव किया है, जो इस चीज का एक्सपीरियंस हो. यहाँ पानी के अंदर जाने पर जब आपको तैरना नहीं आता तो कैसा लगता है. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर. और मैं उस पानी के अंदर जाता गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कैसा हो गया था, जैसे अपने आप को लकवाग्रस्त महसूस कर रहा था. मैं अपने आप को जड़वत महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में चिल्लाहट जो थी वो मेरे गले में ही आके क्या हो गई थी, फ्रोज हो गई थी, यानी जम गई थी. मतलब मेरे गले से अब चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही थी. Only my heart and the pounding in my head. सिर्फ मेरा जो हार्ट है, मेरा हृदय है और मेरा जो सिर है वो कैसा कर रहा था, धक धक कर रहा था. Said that I was still alive. सिर्फ मेरा हृदय और मेरा मस्तिष्क है, जो मेरा सिर है, वो ये बता रहा था कि मैं जिंदा हूँ. इसके अलावा मेरा पूरा शरीर जो है वो बिल्कुल भी निष्क्रिय था. Next देखें बच्चों. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump. I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. अब यहाँ क्या बता रहा कि जैसे ही उसके अंदर डर था, उसी के बीच में उसको क्या एक तार्किक बात याद आई. उसको ये उसने सोचा कि मुझे ये याद रखना चाहिए कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम तक पहुंचूंगा मुझे जंप लेना है. और लास्ट में मुझे टाइल्स समझ में आ रही थी कि यहाँ टाइल्स तक मैं पहुंच गया. उसके जो टोज थे वो उसके तक रीच हो गए थे, ऐसा लगा उसने जकड़ लिया है. आई जंप विद एवरीथिंग हार्ड. और उसके बाद वहां पहुंच के उसने पूरी कोशिश के साथ, जितनी ज्यादा वो कोशिश कर सकता था, उसने जंप लिया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा. पानी जो था अभी भी मेरे चारों ओर स्थित था. मैंने क्या देखा, आई लुक फॉर रोप, मैंने रस्सी तलाशी कि शायद मुझे रस्सी मिल जाए, शायद मुझे कहीं कोई सीढ़ी मिल जाए, लैडर मिल जाए, वाटर मींस जल पंख मिल जाए जिनकी सहायता से, जल परों के सहायता से वो ऊपर आ सके. नथिंग बट वाटर. लेकिन मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया. क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी, एक बहुत बड़ा पीले पानी का साम्राज्य दिखाई दिया. और डर जो ऐसा था कि जो मुझे जकड़ता ही जा रहा था, और तेजी से मुझे बहुत ही अंदर डर जकड़ता जा रहा था. कैसे डर लग रहा था उसको, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के किसी भंवर जाल में, उसको बहुत तेजी से कोई बिजली का करंट लग गया हो. I shook and trembled with fright. और मैं डर के मारे कप चुका था बहुत ज्यादा. मेरे जो भुजाएं हैं, मेरे जो हाथ थे वो भी हिल नहीं रहे थे, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे. I tried to call for help. मैंने कोशिश की कि अपनी मदद के लिए किसी को बुलाऊं. टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाऊं. नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मतलब वो पानी के अंदर ही ये सारी चीजें कर रहा है कि मैं जंप लूंगा, मैं रस्सी ढूंढूं, मैं लैडर यानी सीढ़ियां ढूंढूं, मैं जल परों की तलाश करूं, या मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था. नेक्स्ट देखें बच्चों. एंड देन strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going on. अब जैसे उसने जंप लिया तो बहुत ही विचित्र तरीके से मैंने देखा कि वहां मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है. मैं शायद इस अजीब से और परेशान करने वाले येलो वाटर से ऊपर आ रहा हूँ. अंत में मेरी आंखें महसूस कर रही थी कि मेरी जो नाक है वो कैसी है, ऊपर आ चुकी है.
देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन वहां उसके बाद भी मैं तीसरी बार फिर से नीचे जाने लगा। एंड आई सेप्ड फॉर एयर, मैंने अपने अंदर भरना चाहा, लेकिन मुझे क्या मिला, पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग ऑन, और अब जो पीली रोशनी है वो बुझने लगी थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स, इवन माई लेग फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। आई वॉज वाइप्ड आउट, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब क्या बोलता कि जैसे उसने एक बार प्रयास किया, तीसरी बार वो फिर से नीचे जाने लगा, उसने की कोशिश की कि फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करें, लेकिन इसकी जगह उसको क्या मिला, पानी ही पानी उसके अंदर जाता रहा। अब क्या बोल रहा, देन ऑल एफर्ट सीज, और अब लगभग मेरे सारे प्रयास जो थे वो बंद हो चुके थे। आई रिलैक्स, मुझे अब आराम का महसूस हो रही थी, शांति सी महसूस हो रही थी, मेरे पैर जो थे वो अब काम नहीं कर रहे थे, और मेरे ब्रेन पे, मेरे मस्तिष्क पर एक काला पंखा आ रहा था। आई वाइप्ड आउट फियर, अब मैं डर को अलग कर चुका था। आई वाइप्ड आउट टेरर, मेरे उससे भय भी जाता रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई बहुत पैनिक या बहुत चिंता या बहुत घबराहट नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट पीसफुल, अब कैसा लग रहा था उसको, बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। टू गो टू स्लीप, लग रहा था कि अब वो सोना चाह रहा था, वो नींद में जा रहा था। नो नीड टू जम्प, उसको अब जम्प या कूदने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। टू टायर्ड टू जम्प, क्योंकि वो जम्प लेते हुए बहुत ज्यादा थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और अब वो किस चीज के बारे में ये सब बता रहा कि जब वो पूरा थक चुका था, पानी के नीचे जाने लगा, तो उसको लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उससे भय, उसकी चिंता, उसकी व्याकुलता, सारी चीजें उससे दूर हो गई। वो बहुत शांति महसूस करने लगा, और उसको ऐसा लगा कि वो बहुत ही जेंटली, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके अंदर से उसकी आत्मा खींची जा रही हो। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और वो अंतरिक्ष में तैरने लगा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत ही कोमल स्पर्श उसके किसी बाहों का उसके चारों ओर था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे माँ की कोमल बाहों का स्पर्श प्राप्त हुआ हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे निश्चिंतता रूप से सो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग द चैप दैट थ्रू मी is was saying that I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. और अब वो बोल रहा कि अब मेरी सारी चिंताएं, सारी थकान, सब चीजें जो थी वो सब कैसी हो गई थी, खत्म हो चुकी थी, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो कैसा होने वाला था, वो पूरा का पूरा होने वाला था। मतलब वो बेहोशी की स्थिति से पूरे बेहोशी के आगोश में चला गया, उसको नींद आने लगी, और इसके बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन का पर्दा अब गिर चुका, इसका मतलब कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद वो बोलता है, द नेक्स्ट, अगला मुझे जब याद है, तो अगला उसको क्या याद है कि आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। मुझे अगली बात याद आती है कि मैं पेट के बल पुल के किनारे लेटा हुआ था, किसी ने मुझे इससे लिटा दिया था, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। आपको पता नहीं, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसको उल्टा लिटाते हैं पेट के बल, और उसके उसमें धक्का देते हैं, जिससे पेट में भरा हुआ जो पानी है वो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है। इसी प्रकार से वो भी वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज पेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, और वो बदमाश लड़का जिसने मुझे उसमें फेंका था, वो तो ये कह रहा था, नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। मतलब उस बदमाश लड़के ने जिसने उसको धक्का दिया था, वो उसको क्या लग रहा था, मजाक के रूप में वो सिंपल बोल रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो की जिंदगी भी ले रहा है। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। कोई कह रहा था कि अरे अरे ये बच्चा तो लगभग मरने ही वाला था, लेकिन अब सब ठीक है,
चलो इसको हम लॉकर रूम में ले चलते हैं। नेक्स्ट देखें, आई वॉक्ड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडंट ईट दैट नाइट, फॉर अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी बॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वॉटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। को देखें बच्चों, कई घंटों के बाद लेखक कहाँ पहुंचा, चलकर अपने घर पहुंचा। वो कैसा लग रहा था, कमजोर था और ट्रेमलिंग यानी कांप रहा था, किससे, डर के मारे। और इसके बाद वो क्या कर रहा था, जब भी जब वो बिस्तर पर लेट रहा था तो वो हिलने लगा था और चीखने और चिल्लाने लगा था। क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि वो डरा हुआ था। उस रात्रि को वो भोजन भी ढंग से नहीं कर पाया, कई दिनों तक उसके हृदय में वो डर घूमता रहा, पूरे समय उसका डर क्या करता रहा, अस्थिर रूप से उसके उसमें घूमता रहा कि अब मैं क्या करूं। उसके जो घुटने थे वो पैरों पर इतना डर, उसके पैरों में इतना डर समा गया था कि वो नॉर्मल खड़ा भी होता था तो उसके घुटने कमजोर होने के कारण हिलने लगते थे और उसके पेट में भी कमजोरी महसूस होती थी, डर टाइप का लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इसके बाद में पूल कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा और मैं कोशिश करता था कि जहां तक हो मुझे पानी के स्रोत के पास या पानी के पास नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट। इसके साथ मैंने ग्लॉसरी ऐड की हुई है जिसमें आपके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं, इनको आप नोटबुक में नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।